हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर का सॉस। अभी तो टमाटर काफ़ी अवेलेबल है और काफ़ी कम रेट में मिल रहे हैं, तो मैं इसका सॉस बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो के करीब टमाटर, फ्रेश टमाटर, ताजे बड़े बड़े फ्लैसी टमाटर ले लिए हैं। इसे मैं बारीक कट कर लेती हूँ। साथ ही मैंने अदरक 1.5 इंच के करीब, लहसुन 10-12 नग है और कुछ लाल मिर्च, यह तीखी वाली है, थोड़ी सी तीखी सॉस सबको पसंद है, बच्चों को तो खासकर, इसलिए मैंने कुछ तीखी मिर्च भी ले लिए हैं। आप चाहे तो लहसुन आप नहीं ले सकते हैं। साथ ही मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज और यह खड़े मसाले से इसका टेस्ट और फ्लेवर एकदम बाजार जैसी आएगी। तो ये आप बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। यह मैंने टमाटर को कट कर लिया है। ध्यान रखिएगा, टमाटर एकदम ताजे कड़क हो, नरम टमाटर नहीं लेना है, दागी वागी तो एकदम भी नहीं, तभी आपके सॉस काफ़ी दिनों तक अच्छे रहेंगे। मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, ऑन कर देती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। इसमें पानी ऐड नहीं करना है जितना हो सके, क्योंकि टमाटर से ही पानी ऐसे रिलीज हो जाएगी, तो उसी में हमारा यह जो सॉस है पक के तैयार हो जाएगा। साथ में मैं डाल देती हूँ लहसुन, अदरक, प्याज और खड़े मसाले। साथ ही लाल मिर्च को थोड़े से टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। आपको अपने हिसाब से तीखा, आपको जिस तरह का पसंद है उसी हिसाब से दीजिए। बस इसे हल्का सा चला लेना है। इस तरह से देखिए, इसमें से ऑलरेडी पानी रिलीज हो रहे हैं। कुकर में भी इसे पकाना नहीं है, यह ओपन ऐसे ही पक जाएगी। इसे मैं कवर करके 15-20 मिनट में टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इसे मैं कवर करके छोड़ देती हूँ पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। एक बार चेक कर लेती हूँ, इतना पानी निकला है और टमाटर ऑलमोस्ट पक चुके हैं। इसे एक बार चला लेती हूँ अच्छी तरह से। फिर से कवर करके छोड़ देती हूँ 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो चुके हैं, कितना बढ़िया, ये ऑलमोस्ट पक के तैयार हो गए। 15 मिनट में ही ये पक जाएंगे आराम से, ज़्यादा टाइम का ज़रूरत नहीं है। इसे ऑफ कर देती हूँ और इसे छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ठंडा कर मैंने इसे ग्राइंडर जार में ले लिया है, कवर करके इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे मैं अब छान लेती हूँ बड़ी सी छलनी से। देखिए इस तरह से मैंने छान लेना है और इसके जो छिलके और बीज है इसे निकाल देना है। जो मैंने टमाटर को अच्छी तरह से छान लिया है,
छान के पैन में से चढ़ा दिया है। ऐड कर देती हूँ सॉल्ट 1.5 स्पून के करीब। मैंने वाइट सॉल्ट डाला है, अब मैं डालती हूँ ब्लैक सॉल्ट 1 स्पून के करीब। इससे इसका जो टेस्ट है सॉस का काफ़ी बढ़िया आएगा। साथ ही इसमें डालती हूँ 1 स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, से कलर इसका बहुत बढ़िया जाएगा। इसे मिक्स कर देती हूँ। अच्छी तरह से फूल मैं इसका ये बढ़ा देती हूँ। हाई फ्लेम पे ही गैस को रखना है, लगातार चलाते हुए इसे पका लेना है। अब इसमें डाल रही हूँ शुगर 200 ग्राम के करीब। अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, बाद में आप अपने टेस्ट हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, लगातार चलाते रह के कलर कितना बढ़िया आया है। और यह देखिए कितना फ्री फ्लो है, यह जब तक इसका जो फ्लो कंडीशन की है या कम ना हो जाए, लगातार चलाते रहना है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब विनेगर। इससे जो सॉस है काफ़ी दिनों तक अच्छे रहेंगे। ये मस्ट है, आपको विनेगर ऐड करना ही है। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। इस तरह से एक प्लेट मैंने ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ। और इसे इस तरह से तिरछा कर दे रही हूँ। देखिए धीरे धीरे ये सरक रही है और थोड़ी देर मुझे पकाना है जब तक कि यह ग्लोइंग इसका रुक ना जाए, बस उतना ही पकाना है। और देखिए इस टाइम में चारों तरफ से छीटा पड़ रहे हैं, मैं इसे हल्का सा ढक के पकाऊंगी ताकि चारों तरफ इसका छीटा ना आए। देखिए ऑलमोस्ट आधी रह गई है, मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए इसकी थिकनेस देखिए, या नीचे की ओर नहीं आ रही है। थोड़ी देर पकाने के बाद और 2-4 मिनट मैं इसे बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। यह देखिए इस तरह से तैयार हो गए हैं। ये तैयार है टमाटो सॉस, टेस्टी हेल्दी साथ ही हाइजेनिक घर का बना हुआ। अब बच्चे जितने भी खाएं आप उसे रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है। यह साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको अगर यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।